कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर जनरेशन। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो है वो आपकी थी 1942 से लगभग 1952 या 53 के आसपास, ठीक है। अगर वर्ष पूछा जाए तो 1942 से लेकर 1952-53 के आसपास, ठीक है। डिवाइस कौन सी उपयोग होती थी इसमें, तो वो थी वैक्यूम ट्यूब। पूछा जाए इसकी स्पीड लगभग कितनी थी, तो स्पीड लगभग थी 10^-3 सेकेंड्स, ठीक है। या फिर पूछा जाए कि इसमें मेमोरी कौन सी उपयोग होती थी इस जनरेशन में, तो मेमोरी थी आपकी मैग्नेटिक टेप या फिर ड्रम, ठीक है। और इसके अलावा पूछा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें होती थी मशीन, ठीक है। पर असेंबली का उपयोग भी होना शुरू हो गया था, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज में क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो दो टाइप की है, लो लेवल और हाई लेवल, ठीक है। लो लेवल में आपकी दो आती हैं, सबसे पहले तो मशीन, ठीक है, दूसरी आती है आपकी असेंबली। सबसे पहले आई आपकी मशीन, ठीक है, फिर आई आपकी असेंबली, और फिर आई थी हाई लेवल। हाई लेवल में जैसे कई हैं आपकी सी है, हाई में आ जाती हैं आपकी जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, वी बी, जावा, पाइथन एट्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारी हैं। आपको इनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज नहीं है, इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मशीन, फिर असेंबली। तो जो ये आपकी पहली जनरेशन है इसमें मशीन लैंग्वेज उपयोग होती थी, पर असेंबली का भी उपयोग होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब मशीन के मुकाबले असेंबली की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो मशीन में कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती थी या कोड लिखा जाता था उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, ठीक है, तो उस समय को बचाने के लिए असेंबली का यूज हुआ शुरू, ठीक है। पूछा जाए कि असेंबली लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है सिम्बोलिक लैंग्वेज, ठीक है। ये पूछा गया है पीछे कुछ पेपरों में कि इनमें से असेंबली लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है, तो वो है सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हाई आ गई आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो मशीन थी, ठीक है, असेंबली का उपयोग होना शुरू हो गया था, ठीक है। पूछा जाए कि इस टाइम का कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, जो पॉपुलर कंप्यूटर था इस टाइम का था ENIAC, ठीक है, और दूसरा था UNIVAC। ENIAC और UNIVAC, जो आपका ये ENIAC है ये लगभग 1946 में आ गया था आपका, ठीक है, और UNIVAC आया था आपका 1952 में, ठीक है। ENIAC को फर्स्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कि पहला डिजिटल कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो ENIAC को बोला जाता है, पर ऐसा नहीं है कि यही पहला है, इससे पहले भी बहुत सारे कंप्यूटर थे, ठीक है, पर जो मॉडर्न, जो अभी आधुनिक समय में हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ENIAC को पहला कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट जनरेशन के बारे में, 1942 से 52-53 के आसपास। डिवाइस ये, स्पीड ये, मेमोरी ये, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन, मैग्नेटिक टेप ड्रम आपकी मेमोरी होगी, लैंग्वेज मशीन, मशीन लैंग्वेज थी ENIAC, UNIVAC उस टाइम के पॉपुलर कंप्यूटर थे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन,
जो ये तारीखें हैं इनके बारे में आप एक चीज ध्यान रखना कि जब आप पढ़ोगे इसको, अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी के ऊपर जाएं, उनके हिसाब से तारीखों को याद करें, ठीक है? ये सीबीएसई के हिसाब से हैं। सेकंड जो जनरेशन है आपकी वो थी लगभग 1953 से 1963 या फिर 1965 के आसपास, ठीक है? सेकंड जनरेशन। आपसे पूछा जाए डिवाइस कौन सी उपयोग होती थी, तो इस जनरेशन में होती थी ट्रांजिस्टर। डिवाइस होती थी ट्रांजिस्टर। स्पीड पूछा जाए तो स्पीड 10^-6 सेकंड्स में, ठीक है? इसके अलावा पूछा जाए मेमोरी, तो मेमोरी इसमें होती थी मैग्नेटिक कोर, यानी कि इस जनरेशन में कोर मेमोरी का उपयोग शुरू हो गया था, जो आज के टाइम हमारी फ्लॉपी हार्ड डिस्क वगैरह हैं, डिस्क वगैरह हैं, या फिर मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है? तो ये मेमोरी हमारी शुरू हो गई थी इस टाइम पे, ठीक है? पूछा जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी असेंबली, मुख्य तौर पे असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, ठीक है? लेकिन हाई लेवल का भी शुरू हो गया था उपयोग, ठीक है? मुख्य तौर पे असेंबली होती थी और हाई लेवल का उपयोग होना भी यहाँ पे शुरू हो गया था, ठीक है? आपसे पूछा जाए कि इस सदी का कंप्यूटर, आपसे पूछा जाए तो IBM 1401, ठीक है? ये सबसे ज्यादा पॉपुलर था सेकेंड जनरेशन का। तो ये थी आपकी सेकेंड जनरेशन। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। जो थर्ड जनरेशन है ये कब से कब तक थी? लगभग 1965 से 1974 या फिर 75, ठीक है? ये लगभग यहाँ तक थी थर्ड जनरेशन। आपसे पूछा जाए कि इस जनरेशन में डिवाइस कौन सी उपयोग होती थी, ठीक है? तो डिवाइस इस जनरेशन में आ गई थी आपकी आईसी, इंटीग्रेटेड चिप्स या फिर बोल देते हैं सर्किट्स, ठीक है? वो इस जनरेशन में आगे थे। आपसे पूछा भी जाता है कि आईसी का निर्माण किसने किया, जेएस किल्बी ने, कब किया? 1971 में, ठीक है? पूछा जाए स्पीड, तो स्पीड थी इन कंप्यूटर्स की लगभग 10^-9 ठीक है सेकंड्स। पूछा जाए कि मेमोरी कौन सी उपयोग होती थी, तो यहां पे मेमोरी थी आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा जाए तो वो थी आपकी हाई लेवल, यहां पे शुरू हो गई थी हाई लेवल लैंग्वेज उपयोग होनी आपकी यहां पे शुरू हो गई थी, और इस समय तक आपकी सी लैंग्वेज जो है वो सी हो गई आपकी, फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, ये इस समय तक आ चुकी थी सारी आपकी, ठीक है? कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए तो इस जनरेशन का सबसे पॉपुलर जो कंप्यूटर था IBM 360, ठीक है? ये आप याद कर लेना कि थर्ड जनरेशन का जो पॉपुलर कंप्यूटर था, सबसे ज्यादा मुख्य प्रसिद्ध कंप्यूटर था IBM 360। ये थी आपकी थर्ड जनरेशन। इसके बाद
फोर्थ जनरेशन में ये माना जाता है कि अब भी फोर्थ जनरेशन चल रही है, ठीक है। जो आपके सीपीयू, प्रोसेसर और कंप्यूटर जब हम खरीदने जाते हैं या देखते हैं मार्केट में या फिर ऑनलाइन देखते हैं, उनमें लिखा होता है 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, ये वो जनरेशन नहीं है, ठीक है। जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट की जनरेशन है, कंप्यूटर के विकास की जो पीढ़ियाँ हैं, जनरेशन हैं, ये उनकी बात चल रही है। तो जो आपकी फोर्थ है, फोर्थ जनरेशन लगभग 1976 से लेके नाउ, यानी कि अब तक, ये माना जाता है कि अब तक फोर्थ जनरेशन जो है वो चल रही है और फिफ्थ भविष्य में आएगी, ठीक है। तो 1976 से लेके अब तक, इसमें आपसे पूछा जाए कि डिवाइस कौन सी उपयोग होती थी, तो डिवाइस इसमें उपयोग होती थी LSI, या हम बोल सकते हैं कि होती है क्योंकि अभी भी ये जनरेशन चल रही है। LSI है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा IC को एक बोर्ड पे एक साथ उपयोग करना, ठीक है। क्योंकि जो LSI है, वो जो सर्किट है, वो बहुत सारी ICओं को मिला के ही बना है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए स्पीड, तो स्पीड जो है लगभग 10^-12 के आसपास, ठीक है। पूछा जाए कि यहाँ पे मेमोरी कौन सी उपयोग होती थी, तो वही सेमीकंडक्टर, क्योंकि आज भी सेमीकंडक्टर मेमोरी ही यूज हो रही है और वहां से सेमीकंडक्टर ही, जो आपकी थर्ड जनरेशन है वहीं से आपकी सेमीकंडक्टर भी शुरू हो गई थी, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि थर्ड जनरेशन में IC आई थी, थर्ड ही जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये IC चिप ही होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग भी थर्ड जनरेशन से हो गया, जो अब तक चल ही रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज, अगर आपको इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज। उसके बाद पूछा जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अब सारी कौन सी हो रही हैं, हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हो रही हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो अभी हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं वो सारे, ठीक है, इन्हें बोला जाता है सामान्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, वो सारे इसी जनरेशन के हैं आप, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए आपसे, अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि LSI भी यूज होता था और यहाँ पे VLSI भी यूज होता है, ठीक है। पहले LSI आया फिर VLSI, तो ये VLSI क्या है, ये है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सेम है बाकी तो, ठीक है। पहले छोटे बोर्ड पे कुछ IC यूज कर ली, उसके बाद ज्यादा IC यूज कर ली, ठीक है, उसी बोर्ड पे, तो वो बन गया आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपकी डिवाइस हो गई, स्पीड ये होगी, स्पीड के बारे में ज़्यादा नहीं आपको देखना इस पे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिया हो इनके ऊपर NCERT वगैरह में। मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी हाई लेवल जो भी अब यूज़ हो रही हैं, और कंप्यूटर जनरल पर्पज। इस जनरेशन में जो नई लैंग्वेजेस आई हैं, आप बस इतना ध्यान रखते हो कि आपकी एक तो आई है जावा, या 1995 के लगभग, ठीक है, और एक आई है नई पाइथन, जो कि HSSC में आजकल बहुत ज्यादा पूछी गई है पिछले पेपरों में, ठीक है। तो एक ये आई है, तो फोर्थ जनरेशन पे आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन पे भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जो अभी आने वाली है आई नहीं है ऐसा माना जाता है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिफ्थ जो जनरेशन है उसे हम भविष्य बोल सकते हैं, कि वो हमारी भविष्य की लैंग्वेज है, ठीक है, फ्यूचर।
ये हमारा भविष्य है। इसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें डिवाइस कौन सी उपयोग होगी, तो वो होगी USI, या फिर पूछ लिया जाए कि USI का संबंध कौन सी पीढ़ी से है, कौन सी जनरेशन से है, तो पांचवी पीढ़ी या पांचवी जनरेशन से है। USI क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि और ज़्यादा IC एक साथ जोड़ दी। ठीक है, पूछा जाए स्पीड तो नॉट अवेलेबल, नहीं पता, क्योंकि अभी ये कंप्यूटर आए नहीं है। ठीक है, मेमोरी तो वही सेमीकंडक्टर मेमोरी है। पूछा जाए कि मेमोरी, ठीक है, तो वो आपकी वही सेम सेमीकंडक्टर, और पूछा जाए लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो भी हाई लेवल है वो सारी। ठीक है, जो भी हाई लेवल है वो सारी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और पूछ लिए जाते हैं फिफ्थ जनरेशन पे, कि पांचवी पीढ़ी के संबंध में AI क्या है? तो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि स्वचालित मशीनें। ठीक है, जैसे कि रोबोट्स वगैरह, यानी ऐसी मशीनें जो खुद से चीज़ें सीख सकें, खुद से फैसले ले सकें। जैसे कि आजकल आप फोटोज़ वगैरह लेते हो, सेल्फी वगैरह लेते हो, तो उसमें जो आपके कैमरे हैं, कुछ एक कैमरे AI पावर्ड होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड। वो क्या करते हैं, आपकी एज बता देते हैं, या फिर मौसम के हिसाब से कलर वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर देते हैं। ठीक है, कुछ वो कार्टून्स वगैरह भी लगाते हैं सेल्फी पे। ठीक है, तो वो सारा ये स्वचालित चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसके अलावा एक नई तरह की कंप्यूटिंग भी आ रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग, या फिर बोल सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर होंगे, ठीक है, इनकी जो मेमोरी होगी उसकी यूनिट क्या होगी? क्यूबिट्स। ठीक है, क्यूबिट्स इनकी मेमोरी होगी। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो मेमोरी की यूनिट है वो है बिट सॉरी, या हम बोल सकते हैं कि बिट्स। और जो ये आएंगे कंप्यूटर, इनकी होगी क्यूबिट्स। ये माना जाता है कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होने वाले हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह में, ट्रैफिक्स वगैरह में इनका बड़े स्तर पर उपयोग होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए AI का संबंध किस जनरेशन से है? फिफ्थ से है। क्वांटम कंप्यूटिंग का संबंध किस से जनरेशन से है? फिफ्थ जनरेशन से है। क्यूबिट्स क्या है? क्वांटम जो कंप्यूटर्स होंगे उनकी मेमोरी की छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई क्यूबिट्स होगी। प्रोग्रामिंग हाई लेवल है। ठीक है, सर्किट्स USI हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें होंगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ आप और ध्यान रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि डेटा साइंस में कौन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, कौन सी प्रोग्रामिंग उपयोग होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उपयोग होगी। तो ज़्यादातर जो इसका आंसर होगा लगभग, वो होगा आपका पाइथन का, बाकी सारी हैं, ऐसी बात नहीं है, फोर्ट्रॉन भी है, सी शार्प भी है, जावा भी है। ठीक है, पर ज़्यादातर उपयोग जो है वो पाइथन का हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है सवाल ये हो सकता है कि डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सी प्रोग्रामिंग का होता है। ठीक है, या फिर अभी का देखा जाए कि भविष्य में या आज के टाइम अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, एक नई पोस्ट है ये, डेटा साइंटिस्ट अगर आपको बनना है तो आपकी पाइथन पे कमांड होनी अच्छी चाहिए। इसी वजह से आपने देखा हो कि HSSC में भी पाइथन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और ये +1 +2 के सिलेबस में भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और इसके ऊपर पूछे भी जा सकते हैं सवाल, क्योंकि ये +1 +2 के सिलेबस में है। तो आप ऐसे हैरानी मत जताना कि पाइथन हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं। ठीक है, तो इसका भी बेसिक आपको ध्यान रखना है।
और डेटा साइंस में कौन सी का होता है? पाइथन का। तो ये सारा था आपका फिफ्थ जनरेशन के बारे में, ठीक है। तो इस पे यही सवाल हो सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो कौन सी जनरेशन में यूज होते थे, ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी में यूज होती थी, या सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, एआई का संबंध कौन सी पीढ़ी से है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी से शुरू हुई, असेंबली लैंग्वेज का उपयोग कौन सी पीढ़ी में होता था, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ, उन पर कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ के साथ आप ये भी ध्यान रखना कि जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या मशीनी भाषाएं हैं, ये कैसी होती हैं, लो लेवल, हाई लेवल, ठीक है। सबसे पहले आई थी मशीन लैंग्वेज, फिर आई असेंबली, असेंबली का दूसरा नाम सिंबोलिक भी है, उसके बाद आई है हाई लेवल, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, वी बी, जावा, पाइथन, फोरट्रान, एल्गोल, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस भी हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं इनके नाम।